दोस्तों आप एक एकड़ में कीटनाशक का छिड़काव करें और आपका खर्चा 100 रुपए से कम आए, क्या ये संभव है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसा ऑर्गेनिक कीटनाशक यानी कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो आप अपने घर पर बना सकते हैं, और ये पेस्टिसाइड आपका बनेगा हरी मिर्च और लहसुन के साथ कुछ दूसरी चीजें मिलाकर। तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने घर पर हरी मिर्च और लहसुन की मदद से ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना सकते हैं, और इस पेस्टिसाइड की मदद से आप अपनी फसलों पर रस चूसक कीड़े हो या फिर सुंडी हो उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया सीखेंगे ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाने की, और ये बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं घर में, और इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। तो इस वीडियो में जो चीज़ें हम जानेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों से ये पेस्टिसाइड बनेगा। जब ये पेस्टिसाइड आप बनाने जाएंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी, और दूसरा इस पेस्टिसाइड को बनाने की प्रक्रिया या विधि क्या रहेगी जो आप घर पर अपनाएंगे, और तीसरा और इस पेस्टिसाइड को आप खेत में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, और चौथा कौन कौन सी फसलों पर इसका इस्तेमाल हो सकता है, और पांचवा कौन कौन से कीड़े मकोड़े हैं या जो बीमारियां हैं फसलों की उनको कंट्रोल कर सकता है ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, और इसको बनाने पर कितना खर्चा आएगा ये भी जानेंगे। और एक और चीज़ जानेंगे कि जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है या फिर केमिकल पेस्टिसाइड है इनके बीच फर्क क्या है, यह भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप क्यों डाउनलोड करना है यह आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, और फ्रीडम ऐप से आपको क्या फायदा होगा यह भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में। दोस्तों अब तो पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है, इसलिए ऑर्गेनिक चाहे कीटनाशक हो या खाद हो फर्टिलाइजर हो सबका इस्तेमाल बढ़ गया है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यानी कि जैविक कीटनाशक आप कैसे बना सकते हैं अपने घर पर बड़ी आसानी से, और इस कीटनाशक के लिए आपको 5 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहली चीज़, आपको 3 किलो हरी मिर्च चाहिए होगी। हरी मिर्च जो पूरी तरह से तीखी हो, जिसमें सबसे ज्यादा तीखापन हो, अपने इलाके की सबसे तीखी मिर्च आप ले लीजिए 3 किलो। इसके अलावा आपको 10 लीटर पानी लेना है, ये दूसरी चीज है, 10 लीटर पानी आपको चाहिए। और तीसरी चीज आपको चाहिए होगी 1/2 किलो लहसुन यानी कि 500 ग्राम गार्लिक आपको लेना है। और चौथी चीज आपको चाहिएगी केरोसिन का तेल यानी कि केरोसिन ऑयल आपको चाहिए 250 ml, 250 ml केरोसिन ऑयल आपको चाहिए होगा। और पांचवी चीज आपको चाहिए होगी 100 ग्राम साबुन या फिर डिटर्जेंट पाउडर, जो कपड़े धोने का पाउडर आता है वॉशिंग पाउडर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपको 100 ग्राम चाहिए यानी कि 100 ग्राम साबुन या डिटर्जेंट पाउडर है वो आपको चाहिए होगी। तो ये 5 चीज़ें हैं, इनकी मदद से आप अपने घर पर जो जैविक कीटनाशक है या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है वो बना सकते हैं। दोस्तों ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च और लहसुन की मदद से, इसको बनाने के 4 स्टेप हैं यानी कि 4 चरण में ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले आपको जो 3 किलो हरी मिर्च है तीखी मिर्च, उसको आप मिक्सर में पेस्ट बना लें, उसको पूरी तरह से ग्राइंड कर लें और उसका पेस्ट बना लें। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप किसी भी तरीके से उसको कूट लें यानी कि एकदम बारीक पेस्ट बना लें, उसकी चटनी बना लें, जैसे आप घर में चटनी बनाते हैं वैसे उसकी चटनी बना लें। जो भी साधन आपके पास उपलब्ध हो, चाहे पत्थर पर रखकर या किसी बर्तन में रखकर उसकी पूरी तरह से चटनी बना लें, एकदम पेस्ट बना लें उसको। और उसके बाद 10 लीटर जो आपने पानी लिया है, साफ पानी हो, उसमें उस मिर्ची को डाल दें, जो मिर्ची का पेस्ट है, जो चटनी आपने बनाई है एकदम पीसा हुआ पेस्ट है जो हरी मिर्च का, वो आप उस पानी में भिगो दें यानी कि उसमें डुबोकर छोड़ दें। और ये हरी मिर्च का जो पेस्ट है आपको पूरी रात पानी में भिगोकर रखना है, यानी कि शाम को आपको ये हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर पानी में भिगो देना है और पूरी रात इसको भिगोकर रखना है। ये तो हुआ पहला चरण। और दूसरा तरीका ये है कि जो लहसुन 1/2 किलो आपने लिया है उसका भी पेस्ट बना ले, जैसे कि मिर्ची का बनाया है, चाहे तो आप इसमें मिक्सर की मदद ले सकते हैं, मिक्सर से आप इसको पेस्ट बना ले, या आपके पास मिक्सर नहीं हो तो आप इसको अच्छी तरह से कूट लें, एकदम पेस्ट बना ले, इसकी चटनी बना ले। यानी कि हरी मिर्च है उसको तो आपको पानी में भिगोना है, और ये जो लहसुन है इसको आपको केरोसिन तेल में भिगोना है, जो 250 ग्राम तेल हमने लिया है उसके अंदर भिगोकर छोड़ दें, या 1/2 किलो लहसुन का पेस्ट, इसको भी पूरी रात आपको भिगोकर छोड़ना है। यानी कि शाम के वक्त आप हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना लें, दोनों को अलग अलग रखें, हरी मिर्च को आप पानी में भिगो दें
और लहसुन को आप केरोसिन तेल भी भिगो दें। तो ये प्रक्रिया आपकी एक पूरी होगी, दो स्टेप में दोनों को अलग अलग आपको भिगोना है। और इसके बाद सुबह हरी मिर्च का जो पेस्ट जिस पानी में आपने भिगोया था उसको आप छान लें कपड़े की मदद से, उसको पूरी तरह से अलग कर लें, यानी कि जो 10 लीटर पानी में आपने हरी मिर्च भिगोई थी उसको साफ बारीक कपड़े से आप छान लें, उस पानी को अलग कर लें। और इसके बाद वही प्रक्रिया आप उसके साथ करें जो आपने केरोसिन तेल के साथ किया था, यानी कि लहसुन जो केरोसिन तेल में आपने भिगोया था उसको भी अलग से छान लें। यानी कि आप दोनों को अलग अलग छान कर रख लें, अलग अलग बर्तन में दोनों को रख लें, पानी हरी मिर्च वाले पानी को अलग रखें और जो लहसुन वाला केरोसिन तेल है उसको अलग रखें। यह होगी तीसरी प्रक्रिया, यानी कि दोनों को छान कर अलग रखना आपकी तीसरी प्रक्रिया हो गई। और अब हमें करनी है चौथी प्रक्रिया। चौथी प्रक्रिया यह है कि जो आपका हरी मिर्च वाला पानी है और लहसुन वाला केरोसिन तेल है उनको एक बर्तन में मिक्स कर लें, दोनों को मिला दें, मिक्स कर दें, एक बर्तन में डाल दें। और इसके बाद इसमें आप 100 ग्राम चाहे तो कपड़े धोने वाला वॉशिंग पाउडर है वो डाल दें, डिटर्जेंट पाउडर डाल दें, या फिर आप साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास डिटर्जेंट पाउडर नहीं है तो। अगर डिटर्जेंट पाउडर है तो आप वो इसमें डालें और इनको अच्छे से मिक्स कर लें। और दोस्तों मिक्स करने के बाद जो ये आपका पदार्थ बनेगा ये आपका ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, वो तैयार हो गया। ये आप यूज़ कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खेत में छिड़क सकते हैं। तो दोस्तों पेस्टिसाइड जब तैयार हो जाएगा इसके बाद बात आती है कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये जो 10 लीटर आपका पेस्टिसाइड तैयार हुआ है इसको आप खेत में कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपको पानी की मात्रा में 10% आपको पेस्टिसाइड मिलाना है। जब आप खेत में इस्तेमाल करेंगे तो स्प्रे के तौर पर इसका इस्तेमाल करना, यानी कि आपको पानी में मिलाकर इसको पौधों पर छिड़कना है, इसका स्प्रे आपको करना है। तो 10% इसकी मात्रा रखनी है। अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो इसमें आप 10 ml ये जो पेस्टिसाइड है वो मिला लें। उदाहरण के तौर पर अगर आप 100 लीटर पानी लेते हैं तो आपको 1 लीटर ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है उस पानी में मिलाना है। और इसी तरह से अगर आप 1000 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये 10 लीटर जो पेस्टिसाइड है उसमें मिला सकते हैं। तो ये आपको मात्रा रखनी, यानी कि जो पानी की जितनी मात्रा आप ले रहे हैं उसका 10% है वो ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आपको पानी में मिलाकर फसलों पर छिड़काव करना है। ये तो होगी दोस्तों इसको यूज करने की विधि, यानी कि यूज आप कैसे इसको कर सकते हैं। जैसे आप केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं ठीक वैसे ही इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये स्प्रे आपको शाम के वक्त करनी है ताकि इसका अच्छा बेहतर रिजल्ट आपको मिले। और इस पेस्टिसाइड को आप 10 से 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं, यानी कि आवश्यकता होने पर आप 10 से 15 दिन में इसको आप दोबारा छिड़क सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि कौन कौन सी फसलों पर आप उपयोग ले सकते हैं, कौन कौन सी फसलों पर आप इसको छिड़क सकते हैं। तो कपास पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है कपास की फसल के लिए, इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा कॉर्न यानी कि मक्का में इसको आप छिड़क सकते हैं, आप ज्वार में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं। इसके अलावा चावल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं। और आप चाहें तो इसको शुगर केन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्जियों की बात करें तो आप टमाटर बैंगन समेत दूसरी सब्जियां हैं उन पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो फलीदार पौधे हैं जैसे कि मूंग मसर उड़द या फिर अरहर, उन फसलों पर भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गेहूं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हरे चने हैं उन पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। यानी कि लगभग सभी तरह की सब्जियों और सभी तरह की फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सुरक्षित है। लेकिन एक चीज़ आपको सावधानी के तौर पर फिर भी बता दूं कि किसी भी फसल पर आप छिड़कें उससे पहले आप एक छोटा सा टेस्ट कर लें। जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आपने घर में बनाया है, जो विधि आपको मैंने बताई है, उसको आप थोड़ा सा ट्रायल के तौर पर किसी 1, 2 या 5, 10 पौधों पर आप छिड़क दें शाम के वक्त, और सुबह तक आप उसको देखें। अगर वो पौधा आपका सही रहता है, सुरक्षित रहता है, अच्छे से उस पर आपको रिजल्ट दिखते हैं, तो आप इस केमिकल को, इस ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को दूसरी पूरी फसल पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पौधे पर किसी तरह का बुरा असर दिखता है इस स्प्रे का, इस पेस्टिसाइड का जो ऑर्गेनिक कीटनाशक हमने बनाया है उसका, तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। और तब आप जो आपका नज़दीक का कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से इसके बारे में मदद ले सकते हैं, या फिर जो आपके नज़दीक के कोई ऑर्गेनिक जो किसान है, ऑर्गेनिक खेती करने वाले अनुभवी किसान हैं उनसे बात करके मदद ले सकते हैं। या फिर आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरा कोर्स है, उसके जो मेंटर हैं उनसे बात करके उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि अगर आपका जो पेस्टिसाइड है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। और दोस्तों आमतौर पर ये पेस्टिसाइड है वो बहुत ही अच्छा है, कामयाब है, इसका रिजल्ट काफ़ी
अच्छे रहे हैं। ये तो दोस्तों मैंने एक आपको सेफ्टी के तौर पे बताया कि जब पहली बार आप ये पेस्टिसाइड बना रहे हैं, कीटनाशक बना रहे हैं, तो इसका ट्रायल आप थोड़े से पौधों पर कर लें जिससे कि कोई नुकसान की आशंका ना रहे। तो दोस्तों ये जो कीटनाशक है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, जब हम इसका छिड़काव करेंगे तो कौन कौन से ऐसे कीड़े मकोड़े या सुंडी हैं उन पर ये कंट्रोल करेगा, ये भी आपको बता देता हूँ कि जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, चाहे हरा तेला है या फिर सफ़ेद मक्खी है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करेगा, बहुत अच्छे से इफेक्ट करेगा। और फल छेदक जो कीड़े हैं जो हमारे फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे कपास के फल हों या सब्जियों के फल हों, उनको छेद करके नुकसान पहुंचाते हैं, इनके फल छेदक जिसको हम सुंडी कहते हैं, उस पर भी इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है। तो दोस्तों अब बात आती है कि जो ये तरीका मैंने आपको बताया है, 10 लीटर जो पेस्टिसाइड आप बनाएंगे उस पर खर्चा कितना आएगा, तो चलिए इसकी कॉस्ट जान लेते हैं। जब हम बात खर्चे की करते हैं तो इसमें 5 तरह की चीज़ें चाहिए थी। तो पहली चीज़ है 3 किलो हरी मिर्च। तो 3 किलो हरी मिर्च अगर आप बाज़ार में खरीदने जाएंगे तो आपको 150 से 200 रुपये मिल जाएगी बड़े आराम से। जो तीखी हरी मिर्च आपको लेनी है वो 150 से 200 रुपये में आप 3 किलो आराम से खरीद सकते हैं। और 10 लीटर पानी जो हमें चाहिए, दूसरी चीज़, वो आपको फ्री में मिल जाएगा, साफ पानी आपके घर में मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए थी आधा किलो लहसुन, आधा किलो लहसुन है वो भी आपको आराम से 100 से 150 रुपये में मिल जाएगा, उसको भी आप खरीद सकते हैं बाजार में बड़ी आसानी से। और चौथी जो चीज़ हमें चाहिए थी वो थी केरोसिन ऑयल, जो हमें 250 ग्राम केरोसिन ऑयल है वो चाहिए था। तो 250 ग्राम केरोसिन ऑयल है उसको आप बाजार में आराम से 50 से 100 रुपये में खरीद सकते हैं। और जो पाँचवीं चीज़ थी वो थी 100 ml डिटर्जेंट पाउडर, 100 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर या आपका साबुन, वो भी आपका 50 रुपये में आराम से आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आप जब इन पांचों चीज़ों को खरीदेंगे तो आपकी लागत आएगी लगभग 400 रुपये। सिर्फ 400 रुपये में आप ये 10 लीटर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। और इसको 10 लीटर को आप 1000 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1000 लीटर पानी का जब आप पेस्टिसाइड छिड़केंगे, स्प्रे करेंगे, मान लीजिए आप कपास पर करते हैं, कॉटन पर करते हैं, तो आपका 5 एकड़ खेत में इसका छिड़काव बड़े आराम से हो जाएगा। चाहे आप मक्का पर इसका छिड़काव करें या फिर मूंग पर करें या दूसरी फसलों पर करें, अरहर में करें या फिर आप दूसरी कोई भी फसल है जो मैंने आपको बताया है, सब्जियों में करें, तो आप 5 एकड़ सब्जियों में, कपास में या फलीदार जो फसलें हैं उन पर इस्तेमाल करेंगे तो 5 एकड़ में इसकी पेस्टिसाइड की स्प्रे हो जाएगी। तो सिर्फ 400 रुपये में आप 5 एकड़ के लिए पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं अपने घर पर। तो सोचिए कितना आसान है, लगभग 80 से 100 रुपये आपका खर्चा आएगा और आप 5 एकड़ में एक बार पेस्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ता है। अगर आप ये केमिकल पेस्टिसाइड छिड़केंगे तो आपका लगभग ये 5 एकड़ का खर्चा है वो लगभग 2000 से लेकर 3000 या 4000 रुपये तक आपका आ सकता है, अलग अलग पेस्टिसाइड की हिसाब से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको 400 रुपये में 5 एकड़ का कीटनाशक तैयार करने का तरीका है, वो मैंने आपको बताया है, अपने घर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को आप अपने घर में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप 2 बार 3 बार जितनी भी 4 बार चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 से 15 दिन में इसको रिपीट कर सकते हैं। तो घर पर बनाना बहुत आसान है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो अब दोस्तों बात आती है कि जो केमिकल पेस्टिसाइड है और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, इनके बीच फर्क क्या है, क्यों अलग अलग है ये। तो सबसे पहला जो इनका फर्क है वो ये है कि केमिकल पेस्टिसाइड यानी कि रासायनिक जो कीटनाशक हैं, वो जब हम स्प्रे करते हैं तो वो चाहे रस चूसने वाले कीड़े हो या सुंडी हो, उनको मारते हैं, इनकी किल करते हैं। जबकि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हैं वो रस चूसने वाले कीड़े हों या फिर सुंडी हो, उनको भगाते हैं, यानी कि रेपेलेंट होते हैं। जब आप इनको छिड़केंगे तो इनकी बदबू या दुर्गंध ऐसी होती है जिससे कीड़े मकोड़े हैं वो पौधों पर आते नहीं हैं, वो उनसे दूर भागते हैं। यानी कि केमिकल वाले पेस्टिसाइड हैं वो कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, जबकि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हैं वो उनको दूर भगाते हैं, वो मारते नहीं हैं, दूर भगाते हैं, यानी कि उनको पौधों से दूर भगाते हैं, वो रेपेलेंट है, यानी कि उनको दुर्गंध ऐसी होती है कि उसके पास जो कीड़े मकोड़े हैं वो पौधों के पास आना पसंद नहीं करते। और जो दूसरा फर्क है वो ये है कि रासायनिक कीटनाशक है वो इंसानों के लिए हानिकारक होते हैं, जहरीले होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हैं ये इंसानों के लिए जहरीले नहीं होते, पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। और तीसरा फर्क ये है कि जो रासायनिक कीटनाशक है उसका पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, जबकि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है इनका पर्यावरण पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। और जो दोस्तों चौथा फर्क है वो ये है कि जो कीटनाशक रासायनिक तौर पर बनते हैं वो हमारे मित्र कीटों को भी मार देते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हमारे मित्र कीट हैं उनको भी किल कर देते हैं, जबकि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हैं ये हमारे मित्र कीटों को कोई नुकसान
नहीं पहुंचाते। और पांचवा जो फर्क है वो सबसे महत्वपूर्ण फर्क है कि जो केमिकल पेस्टिसाइड हैं, रासायनिक कीटनाशक हैं, वो बहुत महंगे पड़ते हैं। एक एकड़ में खर्चा उनका 2000 रुपये से लेकर 4000-5000 रुपये तक अलग अलग कीटनाशक के जरूरत के हिसाब से या उनकी ब्रांड के हिसाब से आपको आता है। यानी कि 2000 से लेकर 5000 रुपये तक खर्चा आता है आपका, जबकि ऑर्गेनिक कीटनाशक है इसका खर्चा बहुत कम है, यह आपका 100 रुपये से भी कम पड़ता है। और ज़्यादा भी अगर आप ज़्यादा महंगे वाली चीज़ों से बनाएंगे तो भी इसका खर्चा आपका 500 रुपये प्रति एकड़ तक रहेगा, यानी कि इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। घर पर जो आप बनाएंगे कीटनाशक ऑर्गेनिक तरीके से, वो आपका 500 रुपये प्रति एकड़ से कम खर्चा रहेगा। ये इसका फ़र्क है, यानी कि जो रासायनिक कीटनाशक है बहुत महंगे हैं और ऑर्गेनिक कीटनाशक है वो बहुत सस्ते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई ऑर्गेनिक कीटनाशक की। जब आप ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाएंगे तो आप ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत भी कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक खेती आप कैसे सीखेंगे, तो इसके लिए आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में, और इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है इस वीडियो के। उस डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। और फ्रीडम ऐप पर एक पूरा कोर्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। अपने खेत की मिट्टी को ऑर्गेनिक बनाना, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट कैसे लिया जाता है, ऑर्गेनिक जीवामृत, गोकृपामृत या पेस्टिसाइड कैसे बनते हैं, या जो ऑर्गेनिक खाद है वो कैसे बनती है, वर्मी डीकम्पोस्ट है या कोई से भी खाद है वो कैसे बना सकते हैं, वर्मी वॉश कैसे बना सकते हैं, तमाम चीज़ें आप सीखेंगे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बाज़ार में कैसे बेचा जाता है ज़्यादा कीमत पर, ये आप सीखेंगे। यानी कि A to Z जानकारी आपको मिलेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में इस कोर्स में। तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो एक चीज़ आपको मैंने शुरू में बताई थी कि जब आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों, आपका फ़ायदा ये होगा कि जब आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करेंगे तो उस पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स देखेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखेंगे, तो आपकी जो खेती है उसका एक तरीका बदलेगा, आपका खर्चा कम होगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, यानी कि आपको खेती में मुनाफा ज़्यादा होगा। ये फ़ायदा होगा फ्रीडम ऐप डाउनलोड करेंगे तो। फ्रीडम ऐप पर सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसमें 1000 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो खेतीबाड़ी से जुड़े हैं, बिजनेस से जुड़े हैं, पर्सनल फिनांस से जुड़े हैं। तो तमाम कोर्सेज को आप देखने के लिए फ्रीडम ऐप पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, कैसे आप 1 एकड़ से 5 लाख रुपए कमाना सीख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।